proceed to sign. भारतीय दौरे पर पहुंचे हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने बृहस्पतिवार को राजधानी दिल्ली में भारत के साथ 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विक्टर ऑर्बन की पहली भारत यात्रा के मौके पर उनका स्वागत किया। मनमोहन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों के अंतर्गत भारत की स्थायी सदस्यता के सहित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के बारे में हंगरी के समर्थन की सराहना की। Spectrum of our relations. We agreed that we can substantially expand our economic relations by leveraging our complementary strengths, India's large and growing market, and Hungary's membership of the European Union, including our candidature for a permanent membership of the reformed United Nations Security Council and the 2008 decision of the Nuclear Suppliers Group on civil nuclear cooperation with India. उधर हंगरी के प्रधानमंत्री ऑर्बन ने भारत के आर्थिक सुधारों की सराहना करते हुए भारत के साथ हर तरह के मजबूत रिश्ते कायम रखने की प्रतिबद्धता जाहिर की। ऑर्बन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता वैश्विक शांति और सहयोग के लिए काफी अच्छी रहेगी। In the United Nations Security Council. This is not just the point of the present Hungarian government, but that was earlier and that will be the future, because it's not a party, but it's a very much national point of view of Hungary. इस मौके पर दोनों देशों के बीच हुए समझौते के दौरान सिंह ने भारत की स्थायी सदस्यता मुद्दों पर भी समर्थन देने की भी अपील की। News Point Bureau.